गेहूं खरीद केंद्र पर स्वसहायता समूह और कंप्यूटर ऑपरेटर ने मिलकर एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया। घोटाले में गेहूं खरीद का जिम्मा उठाने वाली लक्ष्मी स्वसहायता समूह ने बिना गेहूं खरीदे ही करीब 57 लाख रुपए फर्जी किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिए, जिसका खुलासा FCI इंस्पेक्टर ने किया। सतना के रामनगर अरगट गेहूं खरीद केंद्र पर कागजों में फर्जी तरीके से किसानों से करीब 2700 क्विंटल गेहूं खरीदने और फर्जी तरीके से किसानों को लगभग 57 लाख भुगतान कर बंदरबांट करने का सनसनीखेज घोटाला सामने आया है। आपको बता दें कि रामनगर के अरगट गेहूं खरीद केंद्र में लक्ष्मी स्वसहायता समूह सुलखमा को गेहूं खरीद का संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। गेहूं खरीद केंद्र ने कुल 8981 क्विंटल गेहूं खरीद की थी, जिसमें से 6300 क्विंटल गेहूं वापस कर दिया गया था। शेष बचे लगभग 2700 क्विंटल गेहूं को खरीदा ही नहीं गया था। लक्ष्मी स्वसहायता समूह की मिलीभगत से घोटाले को अंजाम देते हुए बगैर गेहूं खरीदे ही कंप्यूटर ऑपरेटर राम सकल सिंह से खरीद पोर्टल में 18 फर्जी किसानों के नाम से एंट्री करवा दी और लगभग 2700 क्विंटल गेहूं के 57 लाख के करीब रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। वहीं 10 किसानों को भुगतान भी प्राप्त हो गया। इस तरह रामनगर में गेहूं खरीद के नाम पर खेले गए भ्रष्टाचार के बड़े खेल का भंडाफोड़ हुआ है। FCI इंस्पेक्टर द्वारा मामले की जांच के बाद पुलिस इस बड़े घोटाले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मामला जो है अरगढ़ गेहूं खरीद केंद्र का है, जिसपे राम शकर सिंह जिसके मुख्य आरोपी है और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद समूह में था, इनके साथ 1400 समूह की महिलाएं हैं, उनके द्वारा 56,98,187 रुपए का हेर-फेर किया गया था गेहूँ खरीद केंद्र में और इनके द्वारा कूटरचित दस्तावेज बना के पोर्टल में गेहूँ की फर्जी खरीद की एंट्री बताई गई थी। लगभग 2681 क्विंटल गेहूँ की इसमें एंट्री बताई गई थी, जिस पर से थाना रामनगर में धारा 409, 420, 467, 468, 471, 34 IPC का अपराध पंजीकृत किया गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।